ये है मोटोरोला का न्यू फोन मोटोरोला H40 और इस फोन में IP68 है, वायरलेस चार्जिंग है, कर्व डिस्प्ले, प्रीमियम डिजाइन है और सब इसको फ्लैगशिप किलर बोल रहे हैं। एक मिनट, सच में कौन बताएगा? ऑफ कोर्स सब कुछ टेस्ट करते हैं। मोटोरोला के फोन की पैकेजिंग मस्त होती है यार, खुशबू बहुत अच्छी है यार, प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग होती है और ये पूरा कागज का है। चलो भाई काटने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। खुल जा। ओहो क्या बात है, ये पूरा कागज का है। ये जन्म कुंडली, ये ओह यंत्र, ओ भाई ये कवर सॉलिड, ये ट्रांसपेरेंट है, कवर के साथ बढ़िया लग रहा है यार फोन। इसके अंदर ये केबल, ब्लैक केबल, इसकी लेंथ भाई लंबी है, ये मजबूती भी है। ये चार्जर के ऊपर ये कागज है, मुझे लगा भाई ये चार्जर भी कोई कागज का ना बना दिया। ये देखो इसके ऊपर कागज का कवर है। ये मोटोरोला H40 का फर्स्ट लुक एंड मैं कहना चाहूंगा वाओ। फोन देखने में नो डाउट काफी प्रीमियम और काफी स्टाइलिश लगता है यार। इसका जो बैक है ये वीगन लेदर का है, स्मूथ तो फील नहीं हो रहा बट प्रीमियम और सॉलिड फील है। इसमें कैमरा बम्प है, ये देखो इसमें। ये जो फोन है काफी स्लिम है एंड लाइट वेट भी है, 7.6 mm इसकी थिकनेस है। नो डाउट फोन काफी स्लिम है। वो वेट चेक कर लेते हैं, ओके 172 ग्राम। और जब आप इसे हाथ पे लेते हो इट फील्स लाइट यार। और ये देखो इसका जो डिस्प्ले है वो कर्व है साइड से, जो डिस्प्ले को एक अलग ही लुक देता है यार। ये जो फ्रंट है ये 6.55 इंच का FHD प्लस POLED 144Hz डिस्प्ले है। अगर हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो ये देखो यहाँ पे जाते हैं क्वालिटी में, ओके 2160p पे HDR पे देख सकते हैं। ओ सॉरी आप तो 360p वाले हो ना। इमोशनल डैमेज बट डिस्प्ले लुक सो ब्यूटीफुल, स्क्रीन टू बॉडी रेशो, कलर कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले का एक्सीलेंट है। ऊपर और साइड बेजल्स देखो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ऊपर की साइड में को थोड़े से बेजल्स मिल जाएंगे। कर्व है तो आपको इतने बेजल्स नोटिस नहीं होते, थिन चिन है, एवरेज से काफी थिन चिन है। डिस्प्ले का स्क्रीन टू बॉडी रेशो बहुत ही तगड़ा है और डिस्प्ले में देखे जाए तो वो जो फ्लैगशिप प्रीमियम फील है ना वो आपको फील होती है डिस्प्ले में। विंग एंगल भी डिस्प्ले के बढ़िया है, चाहे फ्रंट से देखो या फिर साइड से देखो, नीचे से देखो या ऊपर से देखो, हर साइड से जो विंग एंगल है वो क्लियर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं भाई चार ऑप्शन है, ऑटो 60Hz, 120Hz, ओहो 144Hz, ओ भाई 144Hz पे तो यार मक्खन से भी डबल मक्खन है। डिस्प्ले सुपर स्मूथ है नो डाउट। इसका जो डिस्प्ले है वो मुझे काफी ब्राइट लगा, 1200 nits की पीक ब्राइटनेस है और 1200 nits पे भाई बहुत ज्यादा ब्राइट है। ये देखो इवन आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में मैंने जाके देखा सुपर ब्राइट डिस्प्ले है। मोटोरोला ने मेंशन नहीं किया कि इसके फ्रंट में कौन सी प्रोटेक्शन है, इतने सिखाते हैं 1 2 3 गो। ओ भाई कुछ नहीं हुआ, ये देखो ये जो चीज मैंने किया आप ट्राई मत करना वरना टूट गया, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसका ये जो फ्रेम है ये मेटल है, बटन्स भी मेटल है, टेक्टाइल फील देते हैं। ओ, 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 बस बस बस, बस। ओके, नीचे की साइड में सिम स्लॉट है, इसको ओपन करके देखते हैं। व्हाट सिंगल सिम, भाई सिंगल सिम ये चीज थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि इसमें आपको ई सिम का सपोर्ट मिलता है, स्पाइस वन पे ये एक पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको ई सिम सपोर्ट मिलता है। लेकिन सच बताऊं तो भाई पर्सनली मुझे ई सिम पसंद नहीं है, मैं फिजिकल सिम ही मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। नीचे ये टाइप सी है, माइक है और ये स्पीकर है और इसमें डॉल्बी एटमोस सपोर्ट है। ओहो स्टीरियो स्पीकर है। राजेश एक सेकेंड, डीजे राजेश के लिए एक लाइक। मस्ती साइड में साउंड क्वालिटी वो मुझे काफी लाउड लगी, क्लियर लगी। राइट हैंड साइड में ये पावर बटन है और ये वॉल्यूम बटन, ऊपर ये नॉइस कैंसिलेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ये देखो टच करते ही अनलॉक हो जाता है। मोटोरोला ने इस फोन में डुअल कैमरा सेटअप यूज किया है, ये जो कैमरा रिंग है काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये जो कैमरा है ये 50 megapixel का मेन कैमरा है OIS के साथ और एक ये 13 megapixel अल्ट्रा वाइड और ये फ्रंट में 32 megapixel है। आओ यार देखते हैं कैमरे में कितना दम है। पहले हम लेते हैं मियाओ की फोटो, ओ भाई कलर्स अच्छे हैं यार ये देखो। और एक इनकी फोटो लेते हैं, पोर्ट्रेट में देखते हैं, ये चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहा अच्छे से। कलर्स अच्छे हैं ये देखो, कलर्स देखो कि ये थोड़ा सा सैचुरेटेड है। और ये एक मैंने अपने लिए आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में, और भाई स्किन टोन में मजा नहीं आया, ये देखो डल है स्किन टोन। थोड़ा सा बाहर आ गए कैमरा टेस्ट करने के लिए, ये इसकी फोटो लेते हैं ये नॉर्मल में और एक ये पोर्ट्रेट से लेते हैं। ये देखो अगर हम शटर स्पीड टेस्ट करें हल्का सा स्लो है, ये देखो टच कर रहा हूँ, ये देखो शटर स्पीड स्लो है, इट टेक्स टाइम। इवन अगर आप कोई इमेज खोलते तो ये देखो प्रोसेसिंग लेता है ये टाइम। पोर्ट्रेट में फोटोज अच्छे आते हैं, ये देखो इवन एजेस भी काफी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है और बैकग्राउंड में ब्लर काफी तगड़ा है। इनका सा जो डिटेल्स है वो बेटर हो सकती थी, कलर्स अच्छे हैं लेकिन डायनेमिक रेंज तो मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है। देखो स्काई एकदम क्लियर विजिबल है। एक सेल्फी भी लेके देखते हैं, ये आउटडोर में है और भाई सेल्फी देखो, सेल्फी में स्किन टोन अगर जूम करते हो ये देखो स्किन टोन में यहाँ पे लिटरली कहूंगा थोड़े से मोटोरोला को वर्क करने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ और फोटोज देख लो, ये इंडोर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में है, लो लाइट कंडीशन में फोटोज लिए गए हैं, आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के फोटोज क्लिक करता है।
लेकिन भाई एक चीज मेरे टेस्टिंग में निकला, इसका जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो कमाल के निकल के आते हैं, काफी ब्राइट फोटोज क्लिक करता है। पर जितना भी मैंने इसके कैमरे को टेस्ट किया है इंडोर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, मैं कहूंगा जो कैमरा है वो मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, डिसेंट कैमरा कहूंगा। कैमरे में भले ही OIS है बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर मैं कैमरा फीचर्स देखते हैं तो भाई यहाँ पर आपको स्लो मोशन मोड है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट है, प्रो मोड है, और यहाँ पर मोर का ऑप्शन है। मोर में आप ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो में आपको FHD और 4K ऑप्शन मिल जाता है। 4K पे EIS का सपोर्ट है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैमरे में देखो, हॉरिजॉन लॉक। अगर इसमें मोटोरोला ने मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर यूज किया है। ये एक 6 NM वाला प्रोसेसर है। अगर आपको पता होगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर, उससे थोड़ा सा कम पावरफुल है ये प्रोसेसर। भाई इसमें मैंने एंटीटू रन करके देखा, जो स्कोर है वो 723,000 प्लस है, पर ये जो स्कोर है ना काफी पावरफुल स्कोर है। इसमें थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया, पहले आपको ग्रीन परफॉर्मेंस मिलती है, फिर थोड़ा सा परफॉर्मेंस ये डाउन कर देता है। जो CPU थ्रॉटल परसेंट है वो 76% है। तो देखो मैं बोलूंगा प्रोसेसर अच्छा है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। इस प्रोसेसर को मैं इस प्राइस पॉइंट पे एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि दूसरे फोन से जैसे IQ Neo 7, Poco F5, उनमें आपको जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इससे बेटर मिलती है। लेकिन इस प्रोसेसर को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। पीरो गेमिंग अभी पता चलेगा कैसे एक्सपीरियंस है। हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो ये देखो ग्राफिक्स में हम जाते हैं तो स्मूथ ऑप्शन है, बैलेंस है, HD है, HDR है भाई, अल्ट्रा HD नहीं मिलता, स्मूथ में एक्सट्रीम ऑप्शन है। ओके गेम प्ले देखते हैं, ये देख रहे हो तो आजकल 3 फिंगर गेम प्ले। ओ पीरो मनोज सारू को हरा दिया। ओ पीरो मनोज सारू इज हियर। ओ भाई ओ ग्राफिक्स में कोई कमी नहीं है, एकदम स्मूथ ग्राफिक्स है, मक्खन, ऐसा कोई लैग फ्रेम ड्रॉप अभी तक तो नोटिस नहीं हुआ, हल्का सा यहाँ पे वार्म फील हो रहा है। चलो गाइज आपको मैं आज एक पीरो गेमिंग टिप देता हूँ। देखो अगर आपको AKM चलानी है, उसका रिकॉइल संभालना है, देखो ऐसे करना है ये। अच्छा है। बाकी इसमें 8GB रैम है और 256GB स्टोरेज है। स्टोरेज टेस्ट करते हैं एक बार, ये देखो कितनी आती है रीड राइट स्पीड। मुझे फोन की काफी बढ़िया लगी। एक बार मल्टी टच चेक कर लेते हैं। ओके आपको 10 मल्टी टच मिलते हैं। देखो इसमें जो रैम है LPDDR4X रैम है, और अगर हम मल्टी टचिंग चेक करते हैं, ये सारे ऐप्स को मैं क्लोज कर देता हूँ ये देखो, और हम अगर आप ऐप्स को ओपन करते हैं, कैमरा ओपन कर लो, फास्ट है क्रोम, आहा यही तो चाहिए मेरे भाई। मल्टी टचिंग फोन में बढ़िया लगा मुझे। 4400mAh की इसमें बैटरी है। फोन को स्लिम करने के लिए यहाँ पे बैटरी कम यूज की है। बैटरी मुझे थोड़ी सी कम लगी, एटलीस्ट 5000mAh तो देनी चाहिए थी। अभी फिलहाल मैंने टेस्ट नहीं किया ये कितना स्क्रीन ऑन टाइम देता है। ट्विटर पे फॉलो कर लो @ManoSaroo, और अगर आप इसका स्क्रीन ऑन टाइम जानना चाहते हो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। एंड बॉक्स में आपको ये 68W का फास्ट चार्जर मिलता है, और ये फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर अगर हम चेक करें, ओके आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड मिलता है। मोटोरोला ने कहा है कि इस फोन के साथ आपको 2 OS अपडेट मिलेंगे और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। मोटोरोला जो अपडेट्स है वो बहुत ही स्लो प्रोवाइड करता है, अगर मोटोरोला इसे थोड़ा सा इंप्रूव कर दे भाई मजा आ जाएगा। मुझे आपको फीडबैक जानना, अगर आप कोई मोटोरोला का फोन यूज करते हो तो क्या आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। फोन में IP68 है, और इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है इस फोन में। और हाँ ये 5G फोन है, 14 5G बैंड्स मिलते हैं। अगर मैं ब्लॉटवेयर देखूं तो मुझे कोई ब्लॉटवेयर दिखा नहीं, एक दो छोड़ के जैसे कि ये फेसबुक है। बाकी UI में मुझे ऐसा कोई एड वगैरह देखने को नहीं मिला। इसके प्राइस है 29999, लेकिन कार्ड वार्ड ऑफर लगा के ये आपको 27999 में मिल जाएगा। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ फोन को, मैंने जितना भी टेस्ट किया, मैं कहूंगा भाई डेफिनेटली इस फोन में कुछ चीजें हैं जो स्टैंड आउट करती हैं। लेकिन जो इसका कैमरा है, कैमरा पार्ट में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कहूंगा कि मोटोरोला को इंप्रूव करने की जरूरत है। परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है, डेटा टू लाइफ फीचर पे कोई इशू नहीं आएगा, गेमिंग भी आप इस फोन में अच्छी खासी कर सकते हो, बट टॉप लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर देखिए दूसरे स्मार्टफोन है जिनमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है। देखिए फोन को मैं फ्लैगशिप किलर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई मोटोरोला का ये एक अच्छा गुड बैलेंस फोन है। आपको कैसा लगा भाई ये फोन कमेंट में जरूर बताना, दबा दो वो लाइक बटन। कुछ मोटोरोला के फोन में आपको व्यू प्रोडक्ट में दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हो, फ्री है यार, फैला दो। मिलता हूं मैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।